कहते हैं कि नेहरू का ब्लंडर क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूं कि नेहरू का क्या ब्लंडर है। हरी सिंह के खिलाफ जो शेख अब्दुल्ला का आंदोलन था, उस आंदोलन को नेहरू ने सपोर्ट कर दिया। आर्मी पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लाना चाहती थी सर, किसने रोक दी? एकमात्र जो है ओबीसी का इनका अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ सर, जिसका धोती खोलकर इन्होंने बाहर कर दिया। आज 6 दिसंबर है, इस संविधान के को जिन्होंने दिया बाबा साहब अम्बेडकर, उनका महानिर्वाण दिवस है। और दूसरा 6 दिसंबर है जब इस देश के आम नागरिकों ने बाबर की निशानी को मिटाया था, इसलिए ये आज का दिन 6 दिसंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस बिल को माननीय गृह मंत्री जी लेकर आए हैं, हम उनके समर्थन के लिए खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि दाग बहुत छोटे हैं लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं। दो छोटे बिल दिखाई दे रहे हैं कि एक ओबीसी को इंक्लूड करना है और दूसरा विस्थापितों को, पता नहीं कश्मीरी पंडित इन लोगों ने कहां से सीख लिया सर। पूरे बिल को मैंने देखा, उस बिल में साफ लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडित है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जो भी डिस्प्लेस हुए उनके लिए हम ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं, दो यहां के लिए और एक जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते एक नारा हमेशा लगाते रहे कि कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। और ये कंसिस्टेंट है सर, कंसिस्टेंट इसीलिए है, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि 1952 में जब ये आंदोलन चलाया हमारे तत्कालीन जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, तो लोगों ने अपना इतिहास भूगोल छोड़ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता ने कभी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा कि 370 खत्म करना है, 35A खत्म करना है और जम्मू कश्मीर जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसमें भारत का संविधान चलाना है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो बातें कही वो केवल ये नहीं है कि दो निशान, दो विधान, दो प्रधान जो है नहीं चलेंगे, ये केवल बीजेपी का नारा नहीं लगा। मैं आपको बताऊं कि मैं पेपर लेकर आया, एक प्रधानमंत्री वो हैं जो कि आतंकवादी के साथ यासीन मलिक के साथ अपना फोटो खिंचाते हैं, वो खुश हो जाते हैं सर। और एक प्रधानमंत्री वो हैं जो दिवाली में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए जाते हैं। और उस प्रधानमंत्री का कंसिस्टेंसी देखिए सर, ये फोटो है, ये फोटो है कि 1952 में यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस आंदोलन को चलाया उसको पूरे संघ परिवार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने उसको बढ़ाया, और जो आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 1991 दिसंबर से जिस यात्रा को चालू किया 26 जनवरी 1992 को उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया। मुझे इसलिए यह पता है सभापति महोदय कि जब वो एकता यात्रा चली, कश्मीर से एकता यात्रा पहुंचनी थी डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में जिसके कन्वीनर उस वक्त के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी थे, जब वो कश्मीर पहुंचे, आज कश्मीर जो है लोग यात्रा लेकर जाते हैं, कांग्रेस के बड़े यात्रा लेकर जाते हैं, उनको आतंकवादी भी दर्शन दे देते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को क्रिएट करने में लाल चौक पर भारत का झंडा फहरे इसके लिए क्या कुर्बानी दी भारत ने, यह उनको अंदाजा नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कन्वीनर के तौर पर वहां पहुंचे तो वो अड़ गए क्योंकि भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी कीमत पर भारत का झंडा लाल चौक पर नहीं फहरा सकते, खून खराबा हो जाएगा। भारत का झंडा नहीं फहर सकता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोली मैं सामने से खाऊंगा, मैं किसी कीमत पर जाऊंगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं है गोविंदाचार्य जी, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर थे, उन्होंने जो है उनके साथ भारत सरकार का निगोशिएशन हुआ, उस वक्त माननीय नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। और मैं इस केस को इसलिए जानता हूं सर कि उस वक्त जो तत्कालीन आईजी कश्मीर डिवीजन में सीआरपीएफ के थे एनके तिवारी, वो मेरे अपने मामा थे, और उनके घर में यहां लोधी रोड में उनके घर में भी 45 उनका घर का मकान नंबर था, हमने वहां निगोशिएशन किया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अड़े हुए थे कि मुझे हर हालत में करना है। और आज 370 और 35A हटाकर इस सरकार ने
कितना बड़ा काम इस देश के लिए किया है और जो हमारा मुद्दा 1952 से रहा उसको किस तरह से पूरा किया है, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। कल सर बहुत बातें हुई 370 की। एक तो जितने वक्ताओं ने कहा, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जरूर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास किए हुए 370 और 35A को स्टे नहीं किया है। और जब स्टे नहीं किया है तो वो जहां भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका क्या मतलब है। और उन्होंने एक गलत बयानी की सर कि जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन हुआ उसमें जानबूझकर जो है हमने 3A का जो है हनन किया और उसमें कहा 2018 में कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका पावर पार्लियामेंट को चला जाएगा। मैं 1976 में तमिलनाडु में करुणानिधि जी की सरकार जो है करप्शन के आधार पर इंदिरा जी ने हटाया था सर, उसी का प्रोक्लेमेशन लेकर आया। यह सेम चीज कह रहा है सर, जब भी राष्ट्रपति शासन होता है तो जो असेंबली के अधिकार हैं वो राष्ट्रपति को निहित हो जाते हैं और जो भी डिसीजन करना है। दूसरा मैं पेपर लेकर आया हूं सर 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल का, कि जब भारत सरकार ने तय किया कि राज्यों का बंटवारा हम अलग अलग ढंग से करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने यह तय कर दिया कि किसी भी राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि लेजिस्लेटिव असेंबली यह तय भी कर दे कि हमारे राज्य का बंटवारा नहीं होगा, उसके बावजूद भी यह पार्लियामेंट सक्षम है। और इसी के आधार पर आपको ध्यान हो कि तेलंगाना, जहां के अभी रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनकर आए हैं, तेलंगाना में वहां की असेंबली ने कहा कि हम नहीं पास कर सकते, उसके बाद भी हुआ, खून खराबा हुआ सर। इसीलिए यह गलत बयानी जो है मुझे लगता है कि गलत है। दूसरा सर, मैं कश्मीर के बारे में कहूं कि आखिर यह रिजर्वेशन की परंपरा कहां से स्टार्ट हुई। एक दिन है सर 13 जुलाई, जो कि बलिदान दिवस कश्मीर मनाता है। यह 13 जुलाई क्यों मनाया जाता है सर, मैं कुछ चीजों पे आना चाहता हूं, और एक्सेशन क्यों हुआ और क्यों नहीं हरि सिंह हमारे साथ आना चाहते थे, दो हिस्टोरिकल फैक्ट है जो पूरे देश को जानने का सवाल है सर, कि 13 जुलाई कश्मीर बलिदान दिवस क्यों मनाता है और हरि सिंह जो है इतना होने के बाद, हिंदू राजा होने के बाद भी हमारे साथ क्यों आने को तैयार नहीं थे। 13 जुलाई 1931 को सर जो एजिटेशन राजा के खिलाफ था वो बेसिकली कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो गया, और कश्मीरी पंडितों में कम से कम 100 कश्मीरी पंडित की 13 जुलाई 1931 को हत्या हुई थी। उस हत्या को बचाने के लिए गोलियां चली थी। 13 जुलाई को ये सारी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार 13 जुलाई को बलिदान दिवस मनाती है, कभी एक बार भी कश्मीरी पंडित के बारे में नहीं कहती। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ सर और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। पूरे देश भर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, लेकिन कश्मीर ही एक ऐसा जगह था जहां 1946 में राजा हटाओ का नारा चल रहा था। राजा हटाओ के नारे में जिन्ना जो है बहुत ही तेज थे सर, उनको पता था कि कल ये भारत का बंटवारा होने वाला है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा साइन करेगा। नेहरू जो है राजा हटाओ नारे का, कहते हैं कि नेहरू का ब्लंडर क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूं कि नेहरू का क्या ब्लंडर है। हरि सिंह के खिलाफ जो शेख अब्दुल्ला का आंदोलन था उस आंदोलन को नेहरू ने सपोर्ट कर दिया और जिन्ना ने जो है राजा का साथ दे दिया। अब राजा डबल माइंड में हो गए कि मेरा साथ तो जिन्ना दे रहे हैं और मेरा विरोध जो है वो नेहरू कर रहे हैं, तो मुझे भारत के साथ रहना है कि नहीं रहना है, पाकिस्तान के साथ मुझे नहीं जाना है। और इसीलिए डबल माइंड में होने के कारण ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाद में साइन हुआ। लेकिन जो 370 की वकालत करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद सर 1949 में मणिपुर ने भारत के संविधान में अपना मर्जर किया, 1971 में सिक्किम ने हमारे साथ मर्जर किया, तो क्या मणिपुर को हम एक स्पेशल स्टेटस 370 की तरह दे दें कि तुम दो विधान चलाओ, तुम तो दो विधान चलाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लॉजिक है सर, ये लॉजिक इतनी घटिया और गलत है कि देश को गुमराह करने वाली है। दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने कहा, कल कोट किया सर, कि सेना ने कहा था, मैं कुछ डेट लेकर आया हूं सर। ये डेट है कि 14 नवंबर 1947 को, ये आर्मी का आर्काइव लेकर आया हूं सर, 14 नवंबर 1947 को
उरी सेक्टर से हम मुजफ्फराबाद जाने वाले थे, किसने रोका? 22 मई 1948 को हम मुजफ्फराबाद तिथवाल को हमने जीत लिया था, हम मुजफ्फराबाद घुसने वाले थे, किसने रोक दिया? हम सर लद्दाख और पूंछ के सेक्टर से दिसंबर 1948 में जाने वाले थे, आर्मी पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लाना चाहती थी सर, किसने रोक दी? इन्होंने रोक दिया, इन्होंने सीज फायर किया। और दूसरा, मैं पेपर लेकर आया हूं सर कि जो प्लेबिसाइट करने के लिए ये यूएन में गए माउंटबेटन के साथ, ये मैं आपको अगस्त 1947 का पाकिस्तान सरकार का, पाकिस्तान सरकार का जो प्रेस रिलीज है वो लेकर आया हूं। और ये लिखा है माउंटबेटन की जो किताब है द ग्रेट डिवाइड, उसमें लिखा है कि जिन्ना प्लेबिसाइट के विरोध में थे, वो यूएन जाने के विरोध में थे, वो ये कह रहे थे कि जनमत संग्रह यदि होगा तो भारत का पूरा आवाम शेख अब्दुल्ला के साथ, भारत के साथ जाएगा, इसलिए किसी कीमत पर प्लेबिसाइट नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी नेहरू वहां गए और नेहरू ने इस तरह का सिचुएशन पैदा किया कि आज हम तबाह हो रहे हैं। मैं ये CIA की रिपोर्ट और चाउ एन लाई और नेहरू जी के बीच जो पत्राचार हुआ वो भी लेकर आया हूं। जब एक बार ब्रिटिश सरकार ने यह तय कर दिया कि तिब्बत, भूटान और नेपाल वो बफर स्टेट रहेगा, एक अलग देश बनकर रहेगा, रसिया, ब्रिटेन और भारत सरकार के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ, और जब चाउ एन लाई बार बार ये कह रहे हैं कि तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, तो किस आधार पर आपने तिब्बत को एक देश के रूप में मान्यता दे दी और आज पूरा का पूरा कश्मीर और पूरा का पूरा देश जो है तबाह है इन चीजों से। हम चाइना से भी लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नेहरू ने कोई ब्लंडर नहीं किया। कई एक चीजें हैं सर मेरे पास, मुझे पता है कि आप समय की कमी है, मैं केवल ये कहूंगा सर, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात हो रही, केवल 2-3 मिनट में मैं अपनी बातें समाप्त कर दूंगा सभापति महोदय। ये 1950 में लैंड रिकॉर्ड लेकर आया हूं सर, कश्मीरी पंडित श्रीमाल विद्यावली को 70,000 हेक्टेयर जमीन था, रामदास जी को 20,000 हेक्टेयर जमीन था, तेज राम जी को 5,000 हेक्टेयर जमीन था, किशन सिंह जी को 6,000 हेक्टेयर जमीन था, दीवान धनपत राय को 8,000 हेक्टेयर जमीन था। जो कश्मीर में जिस कश्मीरी पंडित या हिंदुओं के पास पूरा का पूरा जमीन का अधिकार था, आज आपने उसको विस्थापित कर दिया और आप उसके बारे में कह रहे हैं कि आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, कश्मीरी पंडित माइग्रेट हो गए, उनके बारे में आप सोचने को तैयार नहीं है। आज हमारा एक सैनिक मरता है तो भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करती है। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछते हैं, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं सर कि 1965 के वार में यहां हम सभी सांसद, उन्होंने देखा होगा कई एक पथ है, उसमें बलवंत राय मेहता पथ है सर, और मैं सोचने लगा कि बलवंत राय के नाम पर यह पथ क्यों है। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे सर, 1962 में भारत पाक युद्ध में बलवंत राय मेहता के हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को पाकिस्तान ने उड़ा दिया, और जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री ताशकंद समझौता करने के लिए गए तो अपने मुख्यमंत्री की हत्या का भी बदला लेने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं था। यही कांग्रेस पार्टी है, यही कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसको कि अपने मुख्यमंत्री की परवाह नहीं है। बलवंत राय मेहता के नाम पर एक स्टेच्यू नहीं है, बलवंत राय मेहता के बारे में एक स्कॉलरशिप नहीं है, बलवंत राय मेहता को इस देश के इतिहास ने बुला दिया जो 65 के वार में मुख्यमंत्री रहते हुए मारे गए, और आप कहते हैं कि 370 कैसे खत्म हो गया, 35 कैसे खत्म हो गया। आज रिजर्वेशन की बात होती है, SC को रिजर्वेशन नहीं, ST को रिजर्वेशन नहीं, यह माहौल कैसे पैदा हुआ सर? जब 47 से 53 तक शेख अब्दुल्ला सिंह का नहीं पटा तो कांग्रेस ने 3 मुख्यमंत्री बनाया, बख्शी गुलाम मोहम्मद, GM सादिक और मीर कासिम। उन्होंने क्या किया सर, 1956 में कश्मीर पहला ऐसा राज्य था जहां 70% केवल मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया गया, कहा गया कि केवल मुस्लिम को, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, क्योंकि 2 संविधान था, भारत का संविधान वहां लागू नहीं था। और जब सब सारे मुस्लिम को आप रिजर्वेशन देंगे तो आप माइग्रेशन की स्थिति पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे?
370 और 35A खत्म होने के बाद भारत का संविधान वहां लागू हुआ कि नहीं हुआ? आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसके बदले इन्होंने क्या किया सर, 2010 में टास्क फोर्स बना दिया, और टास्क फोर्स क्या बनाया कि आप उसके ऑटोनॉमी की बात करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट लेकर आया हूं, एल के अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी और एस एस अहलुवालिया, उन्होंने कहा कि ये टास्क फोर्स बनाकर तुम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे उग्रवादी तत्वों को, गिलानी जैसे तत्वों को आगे बढ़ा रहे हो। इन्होंने केवल कश्मीर के साथ राजनीति की सर, राजनीति इतनी की कि जिस फारूक अब्दुल्ला के साथ ये आज रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कैसे मदद कर रहे हैं, उनकी पार्टी कहते हैं कि वॉशिंग पाउडर में जो है पार्टियां धुल जाती हैं। शेख अब्दुल्ला के मरने के बाद फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने सर, उन्होंने उसके घर को तोड़ दिया, गुल शाह को जो है इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, और पूरे कश्मीर में एनआरकी ला दी, मफ को जो है इलेक्शन की रिगिंग कर दी 1987 में, और उसके बाद 1989 में सारे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। ये कहते हैं कि आप सिरुल का सिरुल ट्राइब को क्या करते हैं, हम केवल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आर्टिफिशियल चेहरा नहीं दिखाते हैं। इनकी जानकारी के लिए आज जो CIC है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इस देश का, समरिया वो सिरुल कास्ट है, और जो CAG है GC मुर्मू वो सिरुल ट्राइब है। हमने कोई राजनीति के लिए नहीं कहा, हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उसका सम्मान देना चाहते हैं। मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात नहीं करता हूं, ये केवल एक मिनट सर, ये जो झूठी बातें कहते हैं, लंबा लंबा कहने लगे, जातिगत रिजर्वेशन होना चाहिए, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, आज तो भूपेश बघेल जी हट गए, अशोक गहलोत जी हट गए, अब आपके पास जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी हैं, ये क्या बैकवर्ड है? आपके पास जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सुखू हैं, वो क्या बैकवर्ड है? आपके नाना ने 1961 में कहा कि किसी कीमत पर जो है OBC का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो इसी हाउस में राजीव गांधी ने उसका विरोध किया, और आज जो है, और सीताराम केसरी एकमात्र जो है OBC का इनका अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ सर, जिसका धोती खोलकर इन्होंने बाहर कर दिया। इसीलिए ये बैकवर्ड की बात गलत है, रिजर्वेशन की बात गलत है। जो भी ये बिल लेकर आई है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बिल का समर्थन करते हैं और सदन से आग्रह करते हैं कि इसको निर्विरोध पास किया जाए।